नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हर किसी को याद है। अपने शातिर दिमाग से सबको चकमा देने वाला महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने इस घोटाले को अंजाम दिया था और अब आपको बता दें कि इस वक्त मंडोले की जेल नंबर 13 में बंद है। आज हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर महाठग सुकेश चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश के अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए सोने का मुकुट दान करने की इच्छा जताई है और इसके लिए सुकेश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख को 2 पेजों की चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है। बता दें कि इस चिट्ठी में उसने लिखा है कि वो रामलला की मूर्ति के लिए एक मुकुट दान करना चाहता है और उसने लिखा है कि मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर दान करना चाहता हूँ। सुकेश के मुताबिक मुकुट को मेरे निर्देशों पर एक डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया है। सुकेश ने कहा है कि मैं और मेरा परिवार श्री राम के भक्त है, हमारे पास सब कुछ है, इस जीवन में उनका आशीर्वाद है, यह पल मेरे लिए ऐतिहासिक होगा, अगर ऐसा होता है तो यह सपने के सच होने जैसा है, यह क्षण हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। जो मुकुट वह देना चाहता है उसका वजन 11 किलो और वो ठोस 916.24 कैरेट सोने से बना है। इसके अलावा इस मुकुट में 101 हीरे भी लगे हैं, हर एक हीरा का वजन 5 कैरेट है। इसके साथ ही मुकुट के बीच में पन्ना पत्थर लगा हुआ है जो 50 कैरेट का है। सुकेश के मुताबिक मुकुट को मेरे निर्देशों पर एक डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया है। सुकेश ने कहा है कि मैं मेरा परिवार श्री राम के भक्त हैं और हमारे पास सब कुछ है, इस जीवन में उनका आशीर्वाद है, यह पल मेरे लिए ऐतिहासिक होगा, अगर ऐसा होता है तो यह सपने के सच होने जैसा है, यह क्षण हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। मुकुट दान के लिए चंद्रशेखर ने अपने स्टाफ सदस्य और अपने कानूनी सलाहकार अनंत मालिक को अधिकृत किया है जो ट्रस्ट को मुकुट भेंट करेंगे। सोने का मुकुट दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।